इन गलतियों में से कुछ भी करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें कंप्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे, और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और या फिर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप ये सुनते हैं तो डेफिनेटली आपका चैनल कभी भी डिलीट नहीं होने वाला है। जैसा कि मैंने भी इन गलतियों को किया है और मैं भी अब सुधार रहा हूँ उनको, ठीक है। तो आपको भी इनको अगर गलतियां करते हैं या आपको लगता है कि यार ये गलतियां आपसे हो सकती हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट और स्टेप बाय स्टेप जरूर से देखना। मैं आपको बताने वाला हूँ, टेक्निकल बाबा नित्या जो चैनल है वो बहुत ही ज्यादा काफी पॉपुलर चैनल था, और इसमें 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा इससे रेवेन्यू जनरेट किया था। और यहाँ पर किन गलतियों की वजह से इनका चैनल डिलीट कर दिया गया है परमानेंटली, जो कि बहुत ही बैड न्यूज है और इनके लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बहुत थोड़ा सा नहीं, आपको बहुत ज्यादा इस चैनल के डिलीट होने से आपको बहुत ज्यादा एक बड़ी सीख मिलती है कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अब YouTube क्या कर रहा है, इस टाइप के चैनल ढूंढ ढूंढ कर उनमें कमियां देख देख कर उन्हें स्टेप बाय स्टेप डिलीट कर रहा है। ये था फर्स्ट चैनल। अब यहाँ से हमें सीखने को ये मिलता है दोस्तों कि अगर आपका भी टैक्स रिलेटेड चैनल है या किसी भी टाइप का रिलेटेड, मतलब आप कोई भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं और अपने खुद का कंटेंट डालते हैं, और आप उस पे इस तरह का टाइटल, मतलब कि जैसा इन्होंने टाइटल बनाया, मैंने कई सारे इनकी वीडियो पहले भी देखे हैं जिनमें मैंने देखा है कि इन्होंने कुछ बताया ऐसा कि मतलब अगर जो लोग कुछ ऐसे नहीं बनाते हैं कि आप किसी दूसरे का चैटिंग अपने व्हाट्सएप पर कैसे पढ़ें, हालांकि मैंने भी इस पर वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं, मैंने भी बनाया है, बट वहां पर मैंने कुछ गलतियां थी वो मैंने सुधार रहा हूँ धीरे धीरे। तो अगर आपका चैनल है इस टाइप का, तो आप अगर एक शॉकिंग न्यूज डालते हैं या कुछ अलग ऐसे डालते हैं जिससे आपको खुद फील होगा कि यार आगे टाइम में, लाइफ टाइम में आगे YouTube इन मिस्टेक को देखकर मेरा चैनल टर्मिनेट कर सकता है या डिलीट कर सकता है, या इसके लिए कोई कम्युनिटी, ये जो रूल्स हैं ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो सकते हैं, जो मैं रूल्स अपना रहा हूँ या जिन रूल्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ या आप फॉलो कर रहे हैं। तो जो रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन होती है जो यूट्यूब की, उनके खिलाफ चल रहे हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि किसी दूसरे का व्हाट्सएप व्हाट्सएप चैट अपने में कैसे देखें, तो जैसे ही आपने कैसे देखें लिखा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद जस्ट बाद कैसे देखें के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, यूट्यूब को ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसमें एक सोल्यूशन दे रहे हो, यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि मतलब ये क्वेश्चन कर रहे हो, आप खुद एक क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो इससे यूट्यूब आपके वीडियो को डिलीट नहीं कर पाएगा और ना ही आपके चैनल पर कोई बैड इफेक्ट डाल पाएगा। तो यार मुझे ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और ये हमारे जो काफी अच्छे क्रिएटर हैं जिन्होंने, जिनको शायद आप जानते हो, टेक्निकल इसरार भाई, तो उन्होंने भी इसके बारे में कंप्लीट बताया है और मैंने उनकी वीडियो को भी देखा है, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। तो यार मैंने सोचा है कि उन्हें इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, जो न्यू क्रिएटर्स हैं जैसे मेरे जैसे, या मुझसे कुछ छोटे हैं या कुछ बड़े भी हैं हो सकते हैं। तो अगर ये आपको नहीं पता है तो प्लीज यार इसको फॉलो करें, और आप क्वेश्चन मार्क जरूर से ऐड करें कुछ ऐसे कीवर्ड के पास जो हैकिंग को बढ़ावा दे रहे हो, या किसी की एथिकल, या किसी की मतलब किसी का जो एक्सेस ले रहे हो, इस टाइप के जो वीडियो हो या कुछ शॉकिंग डालते हो, ठीक है, तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क जरूर से ऐड करिए, और वही आपको जो टाइटल है उसको आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी वही देना है, एंड जो टैग होता है हमारा जो कि सर्च कीवर्ड कहलाता है, ठीक है। तो जो सर्च कीवर्ड की जो लिस्ट होती है जिसमें 500 वर्ड हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको सबसे पहले वही ऐड करना है, आपको अपना टाइटल, इसके बाद आप कुछ भी टैग लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है, ये कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करता है, ओके। तो मुझे लगा कि यार ये बता दूं। अब बात आती है कि टेक्निकल बाबा नित्या जो है इनका चैनल वापस आएगा या नहीं आएगा, तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यार देखो इसमें 80% चांस है कि आ सकता है और 20% चांस है कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया है इस पर, और यूट्यूब से इन्होंने खुद बात की है, तो मुझे तो लगता है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर चांसेस हैं कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तो नहीं भी आ सकता है। तो यार वैसे तो मैं चाहूंगा यार कि इनकी 5 साल का जो
जो मेहनत है वो बहुत ही ज्यादा, यार इन्होंने अपना सब कुछ यूट्यूब को ही मान लिया था, तो इसलिए ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा बैड है। तो इसलिए अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इनको सपोर्ट जरूर से करिए, और चैनल पर नए हो तो मुझे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और वीडियो को लाइक जरूर से करना। सो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो आपके छोटे क्रिएटर हो या आपके कोई फ्रेंड हो, एक यूट्यूबर हो, तो उसको जरूर से शेयर करना। सो बात बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।